नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मीट प्रोडक्शन यानी मांस उत्पादन के लिए पाले जाने वाले 5 देसी मुर्गी के नस्ल के बारे में। अभी दोस्तों नया साल का शुरुआत होने वाला है और बहुत सारे ऐसे फार्मर्स होंगे जो कि नए साल पे नया काम करना चाहेंगे, नया बिजनेस स्टार्टअप करना चाहेंगे। तो अगर आप भी सोच रहे हैं मुर्गी पालन में आने का, मुर्गी पालन बिजनेस स्टार्ट करने का, और आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा ब्रीड यानी कौन सा मुर्गी पालना चाहिए, तो आगे मैं आपको जो 5 ब्रीड के बारे में बताने वाला हूँ उनमें से किसी भी एक ब्रीड का चुनाव करके आप बहुत ही आसानी से मुर्गी पालन शुरू कर सकते हैं। चाहे आप बैकयार्ड सिस्टम में यानी घर में मुर्गी पालन शुरू करें, या फिर अगर आप चाहते हैं थोड़ा बड़े पैमाने पर काम को करने का, तो आप डीप लीटर सिस्टम में भी बहुत ही आसानी से उनमें से किसी भी एक ब्रीड का पालन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यानी टॉप 1 पे जिस ब्रीड के बारे में बात करने वाले हैं वह है दोस्तों क्रॉयलर FFG ब्रीड। ये एक ड्यूअल पर्पस ब्रीड है जिसको हम लोग मीट और अंडा दोनों के लिए पालन कर सकते हैं। अब दोस्तों ये एक देसी ब्रीड नहीं है, इसको हम लोग देसी ब्रीड नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये ब्रॉयलर का क्रॉस ब्रीड है। तो इस ब्रीड को हमने एक नंबर पे इसलिए चूज किया है क्योंकि ये ब्रॉयलर ब्रीड से काफी अच्छा है। अगर देखा जाए बैकयार्ड सिस्टम में इसको आप बहुत ही आसानी से पालन कर सकते हैं और इसमें रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो भी काफ़ी अच्छा है ब्रॉयलर के मुकाबले में। उसके साथ साथ दोस्तों ये दिखने में थोड़ा देसी ब्रीड जैसा लगता है क्योंकि ये मल्टी कलर में आता है, जिसके वजह से आपको मार्केट में ब्रॉयलर के मुकाबले में इसका प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा। अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप इसका पालन करना चाहते हैं इस ब्रीड का, तो सबसे पहले आपको इसका चिक्स मंगाना पड़ेगा। तो उसके लिए कहीं आप हैचरी या फिर कोई अच्छे रेपुटेड जगह से चूजा मंगा लीजिएगा। तो चिक्स का प्राइस अगर देखा जाए तो 25 रुपया से लेके 30 रुपया, 35 रुपया के आसपास तक कहीं पर भी आपको आसानी से मिल जाएगा। अब अगर दोस्तों इसका पालन करते हैं तो ये मुर्गी काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाता है यानी काफ़ी जल्दी तैयार हो जाता है। तो एक मुर्गी को तैयार होने में करीब 55 से लेकर 60 दिन टाइम लग जाता है, जिसमें मुर्गी कम से कम 1.5 किलो तक बॉडी वेट गेन कर लेता है। इसके अलावा अगर बात करें इसके फीडिंग के बारे में यानी क्या खा के ये मुर्गी बड़ा होती है, तो आप इसको अगर चाहो तो मार्केट का जो रेडीमेड फीड आता है वो खिला के पाल सकते हैं, या फिर अगर आप चाहो तो घर में फीड बना सकते हैं, या फिर जो देसी फीड आता है वो भी फीड खिला के आप इसको तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ मार्केट का फीड यानी रेडीमेड फीड खिला के उसको बड़ा करते हैं तो ये मुर्गी 1 किलो तैयार होने में करीब 2.5 किलो तक फीड खा लेती है। अब दोस्तों लास्ट में बात करते हैं इसका मार्केट में कीमत के बारे में, यानी जब आप इसको बेचने जाएंगे तो आपको कितना कीमत मिलेगा। तो अगर आप होलसेल मार्केट में इसको सेल करते हैं तो 1 किलो के हिसाब से आपको 120 से लेके 130, 135 रुपया आराम से मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट यानी टॉप 2 में जिस ब्रीड के बारे में बात करने वाले हैं वह दोस्तों बनराजा। बनराजा ये एक ड्यूअल पर्पस ब्रीड है, लेकिन इसको सिर्फ और सिर्फ मीट के लिए ज़्यादातर पाला जाता है क्योंकि इसका जो अंडा देने का क्षमता है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, और इस ब्रीड को स्पेशली बैकयार्ड सिस्टम मुर्गी पालन के लिए ही तैयार किया गया था। अब दोस्तों बात करते हैं अगर आप इस ब्रीड को पालना चाहते हैं तो वही आपको एक अच्छे और रेपुटेड हैचरी से इसका चिक्स मंगाना पड़ेगा, और अगर चिक्स का कीमत के बारे में बात करें तो 30 रुपया के आसपास तक आपको चिक्स अवेलेबल मिल जाएगा, और कहीं कहीं थोड़ा कम या फिर ज़्यादा भी देखने को आपको मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप इस ब्रीड को पालना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फीड के बारे में, यानी इसको आप क्या खिला के तैयार कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसको स्पेशली बैकयार्ड सिस्टम मुर्गी पालन के लिए तैयार किया गया था, तो उस हिसाब से आप अगर चाहो तो बहुत ही आराम से देसी फीड या फिर घर का बनाया हुआ फीड खिला के इसको तैयार कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ मार्केट का यानी रेडीमेड फीड खिला के तैयार करेंगे तो भी ये मुर्गी बहुत ही आसानी से पल जाती है और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है। अब दोस्तों अगर देखा जाए एक मुर्गी तैयार होने में यानी 1 किलो बॉडी वेट गेन करने के लिए कितना समय लगाती है, तो लगभग आप मान के चल सकते हैं 70 से लेकर 75 दिन में एक मुर्गी 1 किलो तक बॉडी वेट गेन कर लेती है, और उतने दिन में एक मुर्गी 3 किलो फीड से लेकर 3 किलो 300 ग्राम तक फीड खा लेती है। अब लास्ट में अगर बात करें इसका मार्केट में कीमत के बारे में, तो 1 किलो आप बहुत ही आसानी से होलसेल मार्केट में 170 रुपया से लेकर 200 रुपया के आसपास तक सेल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट यानी तीसरे नंबर पे जिस ब्रीड के बारे में बात करने वाले हैं वह दोस्तों सोनाली। सोनाली ब्रीड, जैसे आप सभी को पता होगा इस ब्रीड के बारे में, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चे में अभी रिसेंट चल रहा है कुछ सालों से, और ये ज़्यादातर पाला जाता है वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इस स्टेट में ज़्यादातर इसका पालन किया जा रहा है, और इसको स्पेशली मीट और अंडा दोनों के लिए पालन किया जाता है क्योंकि ये तैयार भी काफ़ी देखा जाए तो जल्दी हो जाता है, उसके साथ साथ इसका जो अंडा देने का क्षमता है वो भी काफ़ी अच्छा है, तो इसीलिए इसको मीट और अंडा दोनों के लिए आप पाल सकते हैं। अब अगर बात करें इस ब्रीड को अगर आप मंगाना चाहते हैं यानी चूजा मंगाना चाहते हैं इसका,
तो चूजे की कीमत जो है 25 रुपया से लेके 30 रुपया या फिर उससे कम में भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगर बात करें इसका फीडिंग के बारे में, तो फीड आप चाहो तो बैकयार्ड सिस्टम में अगर पाल रहे हैं तो देसी फीड खिला के इसको तैयार कर सकते हैं या फिर घर का बनाया हुआ फीड भी खिला सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको डीप लीटर सिस्टम में पाल रहे हैं, थोड़ा बड़े पैमाने पे मुर्गी पालन कर रहे हैं इस ब्रीड के साथ, तो फिर आपको जो मार्केट में जो रेडीमेड फीड आता है वो फीड खिला के इसको तैयार करना होगा। और अगर आप मार्केट का फीड खिला के इसको तैयार करते हैं तो एक मुर्गी 1 किलो बॉडी वेट गेन करने के लिए मिनिमम 75 दिन से लेके मैक्सिमम 90 दिन का टाइम लग जाता है। और उतने दिन में यानी 1 किलो तैयार होने में एक मुर्गी 3 किलो 200 ग्राम से लेके 3 किलो 300 या फिर 3 किलो 400 ग्राम तक भी फीड खा लेती है। अब लास्ट में अगर बात करें इसका मार्केट में प्राइस के बारे में, तो अगर आप होलसेल मार्केट में सेल करने जाते हैं तो 1 किलो के हिसाब से 170 रुपये से लेके 190-200 रुपये तक आराम से आपको मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट यानी चौथे नंबर पे जिस ब्रीड के बारे में बात करने वाले हैं वो है दोस्तों ग्राम प्रिया। ये भी एक ड्यूअल पर्पस ब्रीड है, यानी इसका मीट प्रोडक्शन के लिए भी पालन कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहो तो इसको एक प्रोडक्शन के लिए भी रख सकते हैं, क्योंकि इसका एक प्रोडक्शन जो रेशियो है वो सोनाली ब्रीड से भी ज़्यादा है। तो अगर आप इस ब्रीड को पालना चाहते हैं तो सबसे पहले अगर इसके चिक्स के प्राइस के बारे में बात करें तो आपको 25 से लेकर 30 रुपये के आसपास तक चिक्स मिल जाएगा। तो ये प्राइस कहीं पर भी फिक्स नहीं होता है, कहीं थोड़ा कम या फिर ज़्यादा भी आपको देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट अगर बात करें इसका फीडिंग के बारे में यानी इसको क्या खिला के आप तैयार कर सकते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि ये एक देसी ब्रीड होने के कारण चाहो तो आप इसको देसी फीड या फिर घर का बनाया हुआ फीड भी खिला के तैयार कर सकते हैं, या फिर अगर आप बड़े पैमाने पे इस ब्रीड को पाल रहे हैं यानी डीप लीटर सिस्टम या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक बार में आप मुर्गी पालन कर रहे हैं, तो फिर उस दौरान आप हमेशा कोशिश करें जो बाजार का फीड आता है यानी जो रेडीमेड फीड मार्केट का आता है वही फीड खिला के इसको पालें। तो अगर आप इसको पालते हैं तो ये मुर्गी 1 किलो तैयार होने में करीब 80 से लेकर 90 दिन तक समय लगा लेती है, और इतने दिन में यानी 1 किलो तैयार होने में ये मुर्गी करीब 3 किलो से लेके 3.5 किलो तक दाना खा लेती है। और लास्ट में अगर बात करें इसका मार्केट में कीमत के बारे में, अगर आप होलसेल मार्केट में इसको सेल करते हैं तो 1 किलो के हिसाब से यानी पर किलो के हिसाब से आपको 200 रुपया के आसपास तक आराम से देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों लास्ट में यानी 5 नंबर पे जिस ब्रीड के बारे में बात करने वाले हैं वह है दोस्तों कड़कनाथ। कड़कनाथ इसको 5 नंबर पे मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ब्रीड है, यानी जब आप इसको मार्केट में सेल करेंगे तो इसका जो कीमत होता है वो हर जगह फिक्स नहीं है, कहीं पर भी इसका फिक्स मार्केट नहीं है, तो इसीलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है। तो अगर आपके पास मार्केट है, आप इसको सेल कर पाएंगे तो आप इस ब्रीड को पाल सकते हैं, और अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग कर रहे हैं यानी गांव एरिया से बिलोंग करते हैं तो फिर उस जगह पे आप इस ब्रीड को ना पालें, क्योंकि अगर आप पाल लेंगे और इसको सेल नहीं कर पाएंगे, सही दाम आपको नहीं मिलेगा, तो फिर आपको कोई फायदा नहीं होगा। अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अगर आप इसको पालना चाहते हैं, इस ब्रीड को पालते हैं तो चिक्स का जो कीमत रहेगा वो 40 रुपये से लेकर 50 रुपये के आसपास तक देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट अगर देखा जाए फीड के बारे में यानी ये मुर्गी क्या दाना खाती है, तो इसको आप कैसे भी पाल सकते हैं, ये प्योर देसी एक जंगली ब्रीड है, तो आप चाहो तो इसको देसी फीड या फिर घर का बनाया हुआ फीड खिला सकते हैं, या फिर अगर आप बड़े पैमाने पे मुर्गी पालन कर रहे हैं तो उस दौरान आप जो है बाजार का जो फीड आता है रेडीमेड वो फीड खिला के इसको तैयार कर सकते हैं। तो ये ब्रीड 1 किलो तैयार होने में करीब 90 दिन या फिर उससे ज़्यादा तक समय लगा लेती है, और उतने दिन में यानी 1 किलो तैयार होने में 3.5 किलो तक दाना खाती है या फिर उससे ज़्यादा भी दाना खा लेती है। अब दोस्तों लास्ट में अगर बात करें इसका मार्केट में कीमत के बारे में, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसका कहीं पर भी कोई फिक्स मार्केट नहीं है, तो अगर बात करें मेट्रो सिटी में या फिर बड़े बड़े सिटी या फिर शहर में तो इसका प्राइस काफ़ी अच्छा देखा जाता है, 500 रुपये से लेके करीब 1000 रुपये तक पर किलो के हिसाब से इसका सेल होता है। लेकिन वहीं अगर देखा जाए छोटे शहर या फिर गांव के एरिया में इसको अगर पाल के बेचना चाहेंगे तो फिर आपको 500 रुपये कीमत कभी भी नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर आपके पास मार्केट है तो ही आप इस ब्रीड का चुनाव करिएगा, नहीं है तो मत करिएगा। अगर मार्केट आप बना लेते हैं तो इस ब्रीड के साथ आप बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा पाएंगे, और अगर मार्केट नहीं है, सेल नहीं कर पाएंगे, तो आप लॉस में भी जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था 5 ब्रीड जिसको आप मीट प्रोडक्शन यानी मांस उत्पादन के लिए पालन कर सकते हैं। इन 5 में से अगर किसी भी एक ब्रीड का पालन करते हैं तो आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन लास्ट में मैं दोस्तों आपको एक ही बात बताना चाहूँगा, जब भी आप देसी मुर्गी या फिर ऐसे ब्रीड के साथ काम करने जाएंगे, आप सबसे पहले अपना मार्केट देखिएगा कि आपका मार्केट में इसका क्या डिमांड है। अगर आप इसको सेल कर पाएंगे, अगर आप बेच पाएंगे तो ही ऐसे मुर्गी का पालन करिए, नहीं तो फिर आप मत करिएगा। क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर फार्मर के साथ क्या होता है, वो अपना मुर्गी तैयार कर लेता है लेकिन उसको अंत में बेच नहीं पाता है, तो इसीलिए आपको इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा।
तो क्या दोस्तों, बस आज का था ये छोटा सा वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और दोस्तों का चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लेना। तो क्या दोस्तों, मिलेगा कभी किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, जय किसान।